भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। न्यूज वर्ल्ड द्वारा चलाए जा रहे भारत एट नाइन के तीसरे स्पेशल प्रोग्राम में आज यानी 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को हम बुलंदशहर गुलाबटी की जनता को नगर पालिका की एक और बड़ी लापरवाही दिखाएं, उसे देखने के लिए आपको बस खबर में अंत तक बने रहना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने 23 मई 2024 से जनहित में जिस मुहिम को चलाने की शुरुआत की थी उसे हम अब तक यूं ही चलाते रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे जब तक गुलाबठी नगर पालिका अपने प्रथम बोर्ड मीटिंग में किए गए सीवर लाइन बिछवाने के दावे सहित अन्य सभी दावे और नगर में उजागर हुई अनेकों समस्याओं के समाधान को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सफल रूप देने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती। गुलाबटी की जनता को बता दें कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की इस मुहिम को चलाते हुए आज जब हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं तो पूरे 46 दिन यानी कि करीब 1.5 महीने का समय गुजर गया है। और जानते हो कमाल की बात क्या है, इस 1.5 महीने में न्यूज वर्ल्ड इंडिया ग्राउंड जीरो से 4 स्पेशल रिपोर्ट सहित भारत एट नाइन के 2 स्पेशल प्रोग्राम और 1 स्पेशल प्रोमो रिपोर्ट को जनहित में दिखा भी चुका है। लेकिन पूरी तरह से तानाशाह हो चले नगर पालिका के चेयरमैन हो या ईओ निहारिका चौहान, दोनों ही जन समस्याओं को निस्तारण ना कराने और अपने वादों और दावों से बचकर अब तो शासन प्रशासन से बेखौफ होकर उन्हीं के आदेशों को नजरअंदाज कर पूरी तरह से बेपरवाही का परिचय देकर साफ तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो आइए हम फिर वही दोहराते हैं और थोड़ा सा आपको बैकफ्लैश में लेकर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले ये बता दें कि नगर की जनता इन 5 सालों तक ये कभी ना भूले कि सक्रिय सरकार द्वारा गुलाबठी नगर पालिका को 50 करोड़, दोबारा से बता रही हूं, 50 करोड़ 8,15,911 रुपए का भारी भरकम बजट दिया गया है, जिसे मौजूदा भाजपा शासित चेयरमैन को जमीनी स्तर पर इन्हीं 5 सालों में पूरा का पूरा विकास कार्य और नगर में जन समस्याएं के समाधान पर खर्च कर उसका ब्यौरा भी आप ही जनता के सामने पेश कर सराहनीय कार्य कर दिखाना है। अब आप देखिए ग्राउंड जीरो की वो पहली रिपोर्ट जो हमारे सहयोगी अरुण यादव द्वारा नगर में जर्जर पड़े वाटर कूलर को लेकर की गई। इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं लेकिन लापरवाह पालिका के पास इसका बीते 1.5 महीने से ज्यादा समय में कोई भी उचित समाधान नहीं है। अब देखिए दूसरी स्पेशल रिपोर्ट जो कि नगर में पॉलिथिन जब्तीकरण अभियान को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से चलाई और आशा भी जताई थी कि इस बार पालिका बड़े स्तर पर कार्रवाई कर नगर को पूरी तरह से पॉलिथिन मुक्त कर देगी। लेकिन अफसोस यही कि इस बार भी पूर्व की तरह केवल महज खाना पूर्ति ही हो पाई है, क्योंकि अब नगर की समस्त सक्रिय जनता भी ये जान चुकी है कि नगर में पॉलिथीन जब्तीकरण अभियान कितना सफल है और कितना असफल। उम्मीद है कि नगर की जनता इस बात से पूरी तरह सहमत होगी, लेकिन जिन्हें लगता है कि उनके द्वारा चलाया गया अभियान पूरी तरह से सफल है तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की अपील है कि एक बार पालिका में बिना कोई मीटिंग आयोजित करे नगर के 25 वार्ड में बार बार औचक निरीक्षण कीजिएगा तो हकीकत का आईना आपको सब कुछ बयां कर देगा। लेकिन हम जानते हैं पालिका ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसका मकसद तो केवल अभियान के नाम पर खाना पूर्ति करना है। लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया जल्द ही ग्राउंड जीरो से आपको पॉलिथीन के बेखौफ चलन की खबर को भी जरूर दिखाएगा। अब देखिए तीसरी स्पेशल रिपोर्ट, नगर के जिस नाले ने पालिका की पोल खोली थी वो आज भी कहीं ना कहीं राम जी के भरोसे पर ये उम्मीद लगाए हुए है कि पालिका उससे जुड़ी समस्या का जड़ से खात्मा करेगी। अब देखिए चौथी स्पेशल रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट है जो प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाले और नालियों पर अतिक्रमण या पटाव को खोलने पर कार्रवाई करने जैसे आदेश जारी करने पर दिखाई गई। लेकिन गुलाबटी में आज भी जब आप घूमिएगा तो पाइएगा
पालिका ने नाले नालियों के पटाव को खोलने को लेकर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा है। अब नगर की जनता हाल ही में भारत एक्ट 9 के दो स्पेशल प्रोग्राम से तो पूरी तरह वाकिफ होगी, जिसमें एक प्रोग्राम में जनहित की इन्हीं समस्याओं को पुनः प्रमुखता से उजागर किया गया था, तो दूसरे में ईओ के द्वारा की गई व्हाट्सएप चैट की लापरवाही को भी न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा प्रमुखता से दर्शाया गया। अब बात करते हैं प्रोमो रिपोर्ट की, तो उसमें उन प्रमुख बिंदुओं को दर्शाया गया जिसमें पुख्ता जांच पड़ताल कर एकदम सटीक तथ्यों के आधार पर जल्द ही न्यूज वर्ल्ड इंडिया धीरे धीरे पालिका की लापरवाही का हर एक पलीता खोलते हुए बड़ा खुलासा करेगा। जैसा कि हमने खबर के शुरू में बताया, आज हम आपको नगर पालिका की एक और बड़ी लापरवाही दिखाएंगे। तो देखिए आप ही, नगर गुलाबटी में पालिका के पूर्व चेयरमैन काले खां कुरैशी द्वारा बनाया गया बच्चों का शमशान घाट, जो कि वहीं पर स्थित है जहां कुछ रोज पहले एक नाले ने नगर पालिका के नाकाम कारनामों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी थी। इसकी कवरेज जब ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे सहयोगी अरुण यादव द्वारा की गई तो वहां का मंजर मानो पूरी तरह से भयावह हो गया, क्योंकि वहां ना तो पूर्व चेयरमैन द्वारा ही कोई सौंदर्यकरण कराया गया और ना ही नए चेयरमैन ने एक साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी 50 करोड़ से ज्यादा के पास हुए भारी भरकम सरकारी बजट से कोई सौंदर्यकरण कराए जाने जैसी जहमत उठाई। और कमाल तो तब हो जाता है कि ये हाल ही में 10 सालों से जर्जर पड़ी पुरानी सड़क में गड्ढे का दावा करने वाली मौजूदा ईओ महोदया 15वें वित्त आयोग वित्त वर्ष 2021-22 के अंतर्गत इस बच्चों के शमशान घाट की चौबंदी निर्माण कार्य के समय अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराती नजर आई थी। ये सब कोई हवा हवाई नहीं है, क्योंकि सरकारी जमीन पर बने बच्चों के शमशान घाट पर जब आप जाइएगा तो देखिएगा वहां पर किस तरह से झाड़ झुंड से गिराए डरावना शमशान घाट है। वहां लगा पानी का नल जो कि सूखे की मार से सहमा सा आपको जरूर नजर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, इसमें एक निवासी ने क्या जानकारी दी उसे भी सुनिए। थोड़ी बहुत लाइट हो तो कम से कम आदमी को व्यवस्था तो हो जाए, रात बिरात कोई ट्रेजरी हो जाए उसमें आके कुछ करे तो उसके बाद देखो ये क्या झाड़ झूंड ये सब खड़े हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बच्चों के शमशान घाट के। जब नगर में कुछ रोज पहले हुई एक मासूम बच्ची की मौत के बाद शमशान घाट पहुंचे नगरवासियों ने उसकी दफन प्रक्रिया रात के घोर अंधेरे में अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर की, तो भयावह तस्वीर अपने आप में लापरवाह नगर पालिका की वहां लाइट ना लगवाने की कार्यशैली सहित अन्य दया दशा को साफ तौर पर दर्शा रही थी। पिछले 1.5 महीने में बार बार न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा गुलाबची नगर पालिका से जनहित में किया गया वही तीखा और चुपता हुआ सवाल, आखिर क्यों 50 करोड़ से ज्यादा के बजट से बीते एक साल से ज्यादा के समय के बाद भी बच्चों के शमशान घाट को पालिका चेयरमैन और ईओ द्वारा सौंदर्यकरण में तब्दील कराना क्यों जरूरी नहीं समझा जा रहा है, बार बार ये सवाल न्यूज वर्ल्ड इंडिया उठा रहा है। कवरेज के दौरान हमारे सहयोगी अरुण यादव को सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी की माने तो बच्चों के शमशान घाट पर स्थित सरकारी जमीन पर झोलबाजी कर पूर्व चेयरमैन द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के गंभीर आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया सूत्रों द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों की सबसे पहले संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व चयन से सटीक तथ्यों के आधार पर प्रमुख जांच पड़ताल और पूछताछ कर इस मामले को लेकर आखिर क्या है पूरा सच का पर्दाफाश जरूर करेगा। अंत में न्यूज वर्ल्ड इंडिया आशा करता है कि बुलंदशहर के सक्रिय डीएम चंद्र प्रकाश सिंह नगर में विद्यमान अनेकों समस्याओं पर एक बार जनहित में निरीक्षण कर उनके निस्तारण सहित पालिका की बोर्ड मीटिंग में नगर में सिवर लाइन बिछाने के किए गए दावे को धरातल पर कितना उतारा गया है इसकी भी डीएम द्वारा समीक्षा की जाएगी। गुलाबटी की जनता न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ बनी रहे, क्योंकि हम लगातार जनहित के मुद्दों पर आपकी आवाज को
प्रमुखता से यूं ही आने वाले दिनों में भी बेखौफ होकर निष्पक्ष तौर पर उठाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्रदेश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।